इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमएस वर्ड में जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो इसमें कुछ टॉपिक्स या कुछ हेडिंग हमारी होती हैं। जैसे हमने ये बनाए हुए एक इंडेक्स बनाया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइल टाइप के बारे में पेज नंबर 7 से 8 पे लिखा हुआ है और होम टाइप के बारे में पेज नंबर 9 और 10 पे लिखा हुआ है। तो इनके बारे में नोट्स हमने नीचे बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर जाकर के देखेंगे हम। पेज नंबर 7 पे आप देखेंगे, नीचे पहुँचते हैं तो यहाँ और नीचे जाते हैं, ये रहा हमारा पेज नंबर 7। देखिए थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे हमारी हेडिंग है फाइल, ठीक है। फाइल के बारे में लिखा हुआ है पेज नंबर 7 और 8 पे, यहाँ पे फाइल फिनिश हो गया। इसके बाद फिर हमारी हेडिंग है होम टैब, होम टैब के बारे में लिखा गया पेज नंबर 9 से लेकर के। तो इनके बारे में जैसे नीचे हमने ये हेडिंग्स बनाई है, तो उनका इंडेक्स हमें बनाना होता है सबसे ऊपर, तो वो इंडेक्स हम बना लेते हैं। और फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो मेन हेडिंग जो नीचे लिखी हुई है उन हेडिंग को इनसे लिंक कर दिया जाता है। जैसे कि हमें अगर किसी हेडिंग के बारे में पढ़ना है, अगर हमें इंसर्ट के बारे में पढ़ना है, तो कंट्रोल के साथ हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि हम सीधा इंसर्ट टैब पर पहुँचेंगे, यानी इंसर्ट की हेडिंग पर पहुँचेंगे, वो चाहे जितने पेज नंबर पर लिखा हो। या फिर जैसे और कोई टॉपिक है नीचे आपको, जैसे हम दिखाते हैं कि जैसे कि ये है व्यू टैब, है व्यू टैब के बारे में लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा है पेज नंबर 28 पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 28 पे, ठीक है। अब हमें अगर व्यू के बारे में पढ़ना है तो हम यहाँ पे जाएंगे पेज नंबर 28 पे, ये रहा व्यू, और कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे व्यू पर। तो जैसे हम कंट्रोल साथ क्लिक करें सीधा डायरेक्ट हम व्यू टैब पे पहुँचेंगे। तो इस तरह का इंडेक्स बनाना हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे, ताकि हमें स्क्रॉल डाउन करके ना जाना पड़े हेडिंग पे, सीधा यहीं से इंडेक्स से ही डायरेक्ट हम जिस हेडिंग के बारे में पढ़ना चाहते हैं यहीं से डायरेक्ट उसके बारे में उसके पास या उस हेडिंग पर हम जा सकें। तो वो हम आपको कंप्लीट इसमें सिखाने वाले हैं, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मैं सचिन साक्य स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल साक्य कंप्यूटर में। अगर आप एकदम जीरो लेवल से कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स सीखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साक्य कंप्यूटर को, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर एक इंस्टीट्यूट की तरह कंप्यूटर कोर्स की बेसिक से लेकर एडवांस तक की स्टेप बाई स्टेप वीडियोज़ डालते रहते हैं। अगर आप कंप्यूटर पर बिल्कुल भी काम करना नहीं जानते तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। ये हमारा ओपन एमएस वर्ड ओपन हो गया। जैसा कि हमने पहले भी आपको कई वीडियो में बताया कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको बनाना हो तो सबसे पहला काम जो करना होता है हमें वो होता है पेज सेटअप। तो सबसे पहले हम अपना पेज सेट कर लें कि हमें जो डॉक्यूमेंट बनाना है वो किस साइज़ पर बनाना है। सबसे पहले साइज़ सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि अगर हमें A4 पर प्रिंट निकालने हैं तो हम उसको A4 पर बनाएंगे। दूसरा, ओरिएंटेशन कैसा रखेंगे, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, जिस तरह का आपका डॉक्यूमेंट है वैसा ओरिएंटेशन रखेंगे। और तीसरा ऑप्शन होता है मार्जिन, कि हमें किस साइड से कितनी जगह छोड़ करके टाइप करना है। तो नॉर्मल इसमें बाई डिफ़ॉल्ट आता है जो कि 1-1 इंच होता है, और नैरो इसमें आधा आधा इंच होता है। नैरो पर क्लिक कर दें तो आधा आधा इंच मार्जिन हमारा सेट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि इंडेक्स होता है, जो सबसे इंडेक्स जो होता है वो सबसे पहले पेज पर बनाया जाता है, यानी सबसे ऊपर बनाया जाता है। तो इंडेक्स तो हम बाद में बनाएंगे, उससे पहले क्या करेंगे कि पहले अपना डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। तो पहला पेज खाली छोड़ देते हैं हम और कंट्रोल एंटर करके नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो जैसे हम नोट्स बना रहे हैं, मान लेते हैं कंप्यूटर के नोट्स बना रहे हैं, एमएस वर्ड के बारे में नोट्स बना रहे हैं, तो इनमें हम ये नोट्स बनाएंगे इनके बारे में, फाइल टाइप के ऑप्शंस के बारे में, होम टाइप के बारे में। जैसे हम बना रहे हैं तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले सबसे पहले हमने हेडिंग लिखी अपनी फाइल, ये हमने हेडिंग बनाई। तो इसको क्या करना है आपको, सेलेक्ट करके कंट्रोल ई सेंटर में कर लीजिए या लेफ्ट में, आप जहाँ भी रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। थोड़ा हेडिंग की तरह दिखा दें, बोल्ड वगैरह कर देंगे। और आपको यहाँ पे एक काम करना है कि आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके होम टैब में जा करके आपको इस पर हेडिंग्स लगा देना है, हेडिंग स्टाइल लगा देनी है। हेडिंग 1 आप क्लिक कर दीजिए तो उस पर हेडिंग वाली स्टाइल लग जाएगी। फिर जैसे कोई हेडिंग होती है उसके बारे में लिखा जाता है, तो हम इसके बारे में जैसे कि वैसे यहाँ पर कोई पैराग्राफ वगैरह लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मान लेते हैं लिखा है फाइल के बारे में, कंट्रोल एंटर करके पेज चेंज कर देते हैं, तो ये हमारा टॉपिक हो जाएगा फाइल के बारे में। ये हो गया, यहाँ तक मान लेते हैं फाइल टाइप के बारे में लिखा है। अब इससे अगला टॉपिक हमारा होम टैब, होम टैब के बारे में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल एंटर करेंगे और अगले पेज पे जा करके स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने हेडिंग बनाई होम,
अब इस पर भी आपको क्या करना है, सेलेक्ट करके स्टाइल लगा देनी है, हेडिंग, हेडिंग वाली स्टाइल लगाने ध्यान रखना। यहाँ पर जैसे होम के बारे में हमने कुछ लिख दिया इस तरीके से, और इनको पेज चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, कंट्रोल एंटर करके अलग अलग पेज पे पहुँचा देते हैं। तो ये टॉपिक हो गया हमारा होम टैब के बारे में। अब जैसे हमें इंसर्ट के बारे में लिखना है, तो कंट्रोल एंटर करके नेक्स्ट पेज पे जा करके हमने हेडिंग बनाई यहाँ पे इंसर्ट, तो इंसर्ट को सेलेक्ट करेंगे और स्टाइल्स में आके हेडिंग वाली स्टाइल लगा देंगे और यहाँ पर इंसर्ट के बारे में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम अपने नोट्स पहले तैयार कर लेंगे। फाइल के बारे में लिख दिया हमने, होम के बारे में लिख दिया, इंसर्ट के बारे में, डिजाइन, लेआउट, ऐसे करके सबके बारे में बना लेते हैं। तो मैं थोड़ा वीडियो फास्ट करके इसको करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने भी हमारे टॉपिक्स थे, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इन सब की हेडिंग वगैरह बना करके और उनके बारे में हमने लिख दिया है। ऐसे समझाने के लिए हमने वैसे ही पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कर दिए, तो इस तरीके से हमने बना लिया है। अब हम इनका इंडेक्स बनाना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहले पेज पर जाएंगे। सबसे पहले पेज पर जा करके जैसे आप लिखेंगे, पहले हेडिंग बना दीजिए इंडेक्स, और इंडेक्स को कंट्रोल ई कर लेते हैं, सेंटर में कर लेंगे, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देंगे। साइज बड़ा करके आप फॉन्ट यहाँ पे दे दीजिए, एरियल ब्लैक फॉन्ट दे दीजिए या एल्जेरियन, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप अपने हिसाब से रख लीजिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमने टाइप किया जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये हमने हेडिंग बनाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो अब हमें ये देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो कितने पेज नंबर से स्टार्ट है और कितने पेज नंबर तक लिखा गया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट्स पर पहले लगाएंगे पेज नंबर। तो इसके लिए हमने वीडियो बना चुके हैं हम पहले ही, तो साइड में आपको दिख रहा होगा ये वाली वीडियो, आप जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर आप पूरा ऑप्शन आप सीख जाएंगे अच्छे से कि हेडर, फुटर और पेज नंबर कैसे लगाते हैं। तो इंसर्ट पे आते हैं, इंसर्ट पे जा करके आपको ऑप्शन दिखेगा पेज नंबर, पेज नंबर पे जाएंगे। अब यहाँ से हम चूज़ करते हैं कि टॉप ऑफ पेज करेंगे तो पेज के ऊपर लगाना है पेज नंबर, या बॉटम ऑफ पेज करना है तो पेज के नीचे लगेगा पेज नंबर। आप यहाँ से टाइप चूज़ कर लीजिए किस टाइप से आपको लगाना है। तो हमने ऐसे बॉटम ऑफ पेज रखा है और यहाँ पर पेज नंबर राइट में हमने ले लिया, तो क्लिक करें तो हमारे सभी पेजेस पर नंबर आ जाएंगे। और इसको करते हैं क्लोज हेडर एंड फुटर, तब आप देखेंगे कि हमारे जो एमएस वर्ड की जो हेडिंग स्टार्ट हुई है, फाइल हेडिंग हमारी सबसे पहली हेडिंग है, तो इसके बारे में कहाँ से लिखना स्टार्ट किया हमने, पेज नंबर 2 से, पेज नंबर 2 से लिखना स्टार्ट किया। और ये कहाँ तक लिखा है हमारा पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नोट्स कहाँ तक लिखे गए हैं वहाँ तक हम देख लेंगे। लास्ट पेज हमारा आई थिंक और भी नीचे है, ये है लास्ट पेज हमारा, पेज नंबर 26 तक एमएस वर्ड के बारे में लिखा गया है, पेज नंबर 2 से लेकर के 26 तक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे फॉन्ट वगैरह साइज़ वगैरह सेट कर लीजिए कि आपको कितने साइज़ में आपको हेडिंग वगैरह अपनी टाइप करनी है, तो वो हम यहाँ से साइज़ वगैरह बढ़ा लेंगे पहले ही, और फॉन्ट वगैरह सेट कर लीजिए जो भी आपको रखना है। अब क्या करेंगे, हम टैब करके आगे आ जाएंगे, टैब करते जाएंगे और अपना कर्सर आगे ले आएंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2 से लेकर के पेज नंबर 26, इस तरह लिख देंगे हम। तो हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा जो पूरा टॉपिक है वो पेज नंबर 2 से 26 तक है, जिसमें सबसे पहले हेडिंग हमारी फाइल टैब के बारे में लिखा है, हमने लिखा फाइल, फिर फाइल को टैब करके आगे आ जाएंगे और फाइल के बारे में कितने पेज नंबर से लिखा है, तो पेज नंबर 2 से यहाँ पर नीचे जा करके देखेंगे तो फाइल टैब हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इसका पेज नंबर है 2। तो देखते हैं फाइल कहाँ तक लिखा हुआ है, अगली हेडिंग हमारी कहाँ पर है, ये होम वाली हेडिंग स्टार्ट होगी, तो इसका मतलब पेज नंबर 4 तक हमारी फाइल टैब के बारे में लिखा गया है। तो पेज नंबर 2 से 4 तक इसमें लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे आकर के लिख देंगे पेज नंबर 2 से 4। फिर हमने दूसरी हेडिंग बनाई अपनी जैसे होम, होम के बारे में लिखा हुआ है तो पेज नंबर 4 तक तो इसके बारे में लिखा, तो पेज नंबर 5 से स्टार्ट होगा। तो नीचे आके देखते हैं पेज नंबर 5 पे जाते हैं, ये हमारा होम टैब की हेडिंग आ गई और ये हमारा पेज नंबर 5 से स्टार्ट है और ये देखते हैं कहाँ तक है। देखिए इंसर्ट हेडिंग स्टार्ट हो गई, तो इसका मतलब यहाँ तक पेज नंबर 9 तक
हमारा इसके बारे में लिखा हुआ है, पेज नंबर 5 से 9 तक। तो यहाँ पे हम जा करके लिख रहे हैं कि पेज नंबर 5 से 9 तक। हालांकि आगे जब आपको रेफरेंस मेन्यू कराया जाएगा तो इसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि यहाँ पे हेडिंग्स अपने आप बन के आ जाएगी, पेज नंबर लिखा आ जाएगा, बट उसमें केवल पेज नंबर आएगा कि वो हेडिंग आपकी इतने पेज नंबर पर, ये नहीं आएगा कि इतने से इतने तक है। तो ये हमें मैनुअली लिखना पड़ता है चेक करके कि कौन सी हेडिंग के टॉपिक कहाँ तक लिखे हुए हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको जल्दी जल्दी पास्ट वीडियो करके आपको दिखा देता हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम अपनी हेडिंग्स लिख लेंगे और देख लेंगे कि कौन सी हेडिंग का टॉपिक कितने पेज नंबर से कितने पेज नंबर तक है, वो मैनुअली आपको चेक करना पड़ेगा और उसके सामने इस तरीके से लिख देना है। बाकी फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, जैसी भी फॉर्मेटिंग आपको करनी है, लाइन स्पेसिंग वगैरह, ये काम हम पहले या बाद में भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे बॉर्डर लगाना आपको, तो जितनी लाइनों पर बॉर्डर लगाना उनको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, लास्ट वाला ऑप्शन होता है बॉर्डर, इस पर आके ऑल बॉर्डर कर दें तो उतनी लाइनों पे अलग अलग बॉर्डर बन करके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बनाया, बट अभी ये इंडेक्स तो हमने बना दिया कि ये हेडिंग इतने पेज नंबर पर है, पर ये हेडिंग अभी उस मेन हेडिंग से लिंक नहीं है। जैसे मान लीजिए डिज़ाइन के बारे में लिखा हुआ है, पेज नंबर 14 पर लिखा है, हम चाहते हैं कि यहीं से कंट्रोल सर क्लिक करें और सीधे डिज़ाइन पर पहुँच जाएँ। तो आपको करना क्या है कि हमने उन पे हेडिंग्स लगाई हुई हैं, तो जैसे फाइल को सिलेक्ट करना, फाइल से नीचे जो डॉक्यूमेंट में फाइल वाली हेडिंग है उसको हमें इससे लिंक करना है ताकि हम यहीं से सीधे उस हेडिंग पे पहुंच जाएं। तो इसके लिए आपको इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट में जाके लिंक ऑप्शन पे क्लिक करना है। लिंक में आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखेगा जिसमें एक ऑप्शन आएगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, सेकेंड नंबर पर ऑप्शन आएगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसमें आपको देखेंगे तो सारी हेडिंग्स दिखाई देंगी जितनी हेडिंग हमने बनाई हुई हैं और क्रम से लिखी हुई हैं वो। तो आपने क्या करना, इस फाइल से हम हेडिंग लिंक कर रहे हैं तो फाइल से फाइल वाली हेडिंग को लिंक करेंगे तो वो हेडिंग इससे लिंक हो जाएगी। फिर होम को सेलेक्ट करेंगे और फिर लिंक पे जाएंगे तो होम से हम होम को लिंक कर देंगे, ऐसे इंसर्ट से इंसर्ट, तो इस तरीके से सभी को हम यहाँ पर लिंक कर देंगे। तो मैं थोड़ा वीडियो फास्ट करके आपको दिखा देता हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, तो हमने सारी हेडिंग्स को यहाँ पर लिंक कर दिया है। अब आपको क्या करना है, जैसे हम ये अभी यहाँ पे ये कलरफुल है इस तरह दिखाई दे रही है, तो आप चाहें तो इनका कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर आप ब्लैक कलर रखना चाहें तो ब्लैक कलर आप रख लीजिए, इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल साथ सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या करना है आपको, होम पे जाना है और होम पे जा करके आप कलर दे दीजिए यहाँ पे ब्लैक कलर, और अंडरलाइन भी हटानी है तो आप अंडरलाइन पर क्लिक करिए पहले, फिर दोबारा क्लिक कर दीजिए, अंडरलाइन हट जाएगी, तो सिंपल दिखेगी बट हेडिंग उससे लिंक रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे हमें अब पढ़ना, मान लेते हैं हमें डिज़ाइन टाइप के बारे में पढ़ना है, तो डिज़ाइन टाइप वाली हेडिंग हमारी कितने पेज नंबर पे, पेज नंबर 14 यानी 14 पर है। अब हमें उस हेडिंग पे पहुंचना है तो बस हम कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते सीधे हम डिज़ाइन वाली हेडिंग पर पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम अपने लिंक हेडिंगों को लिंक करके अपना एक इस तरह का इंडेक्स बना सकते हैं। तो कंट्रोल साथ जैसे हमने रिव्यू पे क्लिक किया और रिव्यू के बारे में लिखा पेज नंबर 22 पे, तो कंट्रोल साथ रिव्यू पे क्लिक करें, सीधा रिव्यू वाली हेडिंग पर पहुंचेंगे। तो ये होता है इंडेक्स का फायदा। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बनाया, वैसे हम एक्सेल, पावर पॉइंट, जिस भी टॉपिक के बारे में बना रहे हैं तो उसकी हेडिंग्स को आप इस तरीके से लिंक करके एक लिंक वाली जो है इंडेक्स आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, और इसी तरह की स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल साकी कंप्यूटर को सब्सक्राइब करें।